Hello students, welcome back. In this video lecture, we will study cross multiplication method. मैंने आपको पहले भी बताया है कि cross multiplication method session 2020 and 21 के लिए भी board ने remove किया है. But further जो sessions होंगे उनमें शायद वापस continue होगा. And 11th और 12th में बहुत use आता है इसका, इसलिए हम video में यह मेथड बहुत अच्छे से समझ रहे हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक्सरसाइज 3.5. हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में समझा है. नाउ हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे. वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.5. अ पार्ट ऑफ मंथली होस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैस. व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड 20 डेज, शी हैज टू पे 1000 रुपीज फॉर होस्टल चार्जेस. वेयर इज द स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड 26 डेज pays 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed charge in the cost of food per day. Similar वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक एक्सप्लेन किया था कि एक आदमी ऑटो में बैठता है और उसे कुछ किलोमीटर जाना है. तो पहले वो बोलते हैं कि मैं आपसे कुछ फिक्स चार्ज लूंगा, देन आपको पर किलोमीटर चार्ज पे करना होगा. इसी तरह से हॉस्टल के लिए क्वेश्चन है कि कोई स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है तो उसे एक फिक्स चार्ज पे करना पड़ता है, चाहे वो रहता है या नहीं रहता है. लेकिन अगर वो मैस में खाना खाता है तो वहाँ उसे पर डे चार्ज जो भी है वो जितने दिन खाना खाता है केवल उसी के अकॉर्डिंग पे करना होता है. तो सिंपल सा हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं. फॉर स्टूडेंट, पहले तो हम फिक्स चार्ज की बात करें. लेट द फिक्स चार्ज एक्स रुपीज एंड मैथ चार्ज पर डे इज वाई रुपीज. मतलब उसका फिक्स चार्ज जो है मंथली, पूरे मंथ की हम बात कर रहे हैं, पूरे मंथ का उसका जो चार्ज लगता है वो 100 रुपीज है. एंड मैथ्स में जब वो खाना खाता है तो पर डे उसको वाई रुपीज देना पड़ता है. ओके, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन यानी कि फॉर स्टूडेंट ए. स्टूडेंट ए की अगर हम बात करें तो वो पे करता है टोटल 20 डेज शी हैज टू पे. कोई गर्ल है 20 डेज मैथ्स में खाना खाती है तो उसे 1000 रुपए पे करना पड़ते हैं. तो फॉर स्टूडेंट ए एक्स प्लस 20 वाई इज इक्वल टू 1000. भैया फिक्स चार्ज तो उसको देना है, 20 डेज उसने खाना खाया है तो पर डे उसका चार्ज वाई रुपीज है, तो उसने 1000 रुपीज हॉस्टल में सबमिट किए, जमा करवाए. सेकेंड कंडीशन की बात करें फॉर स्टूडेंट बी. स्टूडेंट बी की बात करें अगर हम, वहां उसने बोला है कि सेकंड वाला जो स्टूडेंट है वो 26 डेज मैथ्स में खाना खाता है तो भैया फिक्स चार्ज तो उसे भी देना होगा. तो एक्स रुपीज फिक्स चार्ज दिया उसने, प्लस 26 डेज उसने मैथ्स में खाना खाया तो उसे पे करना पड़ा 1180 रुपीज. ये हमने वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशन फॉर्म किया. अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से इसको और अच्छे से समझेंगे ताकि आप रिमेनिंग क्वेश्चंस कर पाए. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो यहां पर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. दैट इज ax प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1. और इक्वेशन नंबर 2 में सिमिलर यहाँ पर माइनस आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि 1180 हमें पता है इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में हमने अरेंज किया.
Now, A1 is what? A1 is 1. B1 is what? B1 is 20. C1 is 1000 minus 1000. देखिए यहाँ प्लस सी है और यहाँ माइनस 1000 है, इसलिए माइनस 1000. A2 is equal to 1, B2 is equal to 26 and C2 is equal to minus 1180. Now, सबसे पहले हम इस तरह की इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो पहले चेक करते हैं कि वेदर द सॉल्यूशन इज अवेलेबल और नॉट, यहाँ पर सॉल्यूशन है भी या नहीं है. तो उसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे पास. तो हम पहले कंपेयर करते हैं 1 अपॉन 1, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 20/26. तो हम इसे अगर और कैंसिल आउट भी करेंगे तो भी यहाँ पर वैल्यूज जो है 1 नहीं आएगी और यहाँ 1 आ रहा है. मतलब डेफिनेटली हम कह सकते हैं A1 अपॉन A2 does not equals to B1 upon B2. So equation has unique solution. Equation का जो दोनों equation है उनका unique solution होगा. अब हम cross multiplication method का formula again learn करें. अगर हम previous video की बात करें तो मैंने आपको बोला था कि आपको केवल BCA learn करके रखना है. BCA आप learn करेंगे तो formula easily बना सकते हैं. किस तरह से? सबसे पहला हमारे पास x वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल है हमारे पास y और थर्ड होती है कांस्टेंट टर्म, इसलिए y. यहां से हमने देखा bc, तो फर्स्ट bc माइनस bc, फिर bc के बाद आता है ca, तो ca माइनस ca एंड लास्ट वन इज ab माइनस ab, ab माइनस. नेक्स्ट 1221, 1221, 1221 और 1221. ये 1221 हमने इसलिए लगाया ताकि हमारा फॉर्मूला हमें इजीली लर्न हो जाए. जो मैंने ट्रिक बताई है फॉर्मूला लर्न करने की ट्रिक है, अगर आप पूरा फॉर्मूला अच्छे से याद रख पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं यहाँ पर. देखिए आप ये रही सारी वैल्यूज, तो सॉल्व करते हैं x अपॉन B1 C2, ये रहा B1, ये रहा C2, 1180 into 20, माइनस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस 1180 into 20 हमारे पास हो जाएगा, टू थ्री सिक्स जीरो एंड नेक्स्ट है हमारे पास B2 C1, तो B2 C1 यानी कि 26,000 प्लस का, सॉरी 2600,000. तो यहां पर भी एक जीरो और लगेगा हमारे पास. एक्चुअली यहां 20 के साथ जीरो था, मैंने केवल 2 का मल्टीप्लाई किया है. तो 23,600 प्लस 26,000, और ये प्लस क्यों आया? क्योंकि यहां माइनस ऑलरेडी था और हमारे पास फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस. नेक्स्ट y अपॉन C1 A2 माइनस 1000 माइनस C2 A1 ये रहा A1 ये रहा माइनस 1180 माइनस हमारे पास फॉर्मूले में था, तो अगेन माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 26 माइनस 20. तो फर्दर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यूज आती है x अपॉन 26,000 में से आप 23,600 लेस करेंगे तो यहां आएगा 2400 एंड यहां आप सॉल्व करेंगे 1180 माइनस 1000 दैट इज 180 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 26 माइनस 20 इज 6. अब हम सॉल्व करते हैं. हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है कि अब हम इसे सॉल्व करने के लिए एक्स की टर्म और कांस्टेंट टर्म को इक्वल रखेंगे, सेकेंड टाइम वाई की टर्म और कांस्टेंट टर्म को इक्वल रखेंगे. तो एक्स अपॉन 2400 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 टेकिंग दिस. तो हमने सॉल्व किया
2400 x = 2400 upon 6 400. इन द सेंस कि हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो 400 रुपीज है. देन वाई की वैल्यू हम फाइंड करें तो वाई के लिए अपन क्या लेते हैं, टेकिंग वाई अपॉन 180 = 1/6. तो इसको आगे सॉल्व किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऊपर 180 का, तो y = 180/6 30. इन द सेंस y = 30. तो हम यहाँ सेंटेंस में लिख सकते हैं आंसर में कि द फिक्स चार्ज विल बी 400 रुपीज पर मंथ एंड द पर डे चार्ज, मैथ्स का जो चार्ज होगा उसका खाना खाने का जो चार्ज होगा वो होगा 30 रुपीज पर डे. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अच्छे से समझ में आया होगा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.